हेलो, प्लांट्स लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मधुकामिनी के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, मधुकामिनी में कितने फूल लग रहे हैं, कितने खूबसूरत फूल है ये इसके। ये देखिए ना, ये मेरा पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और कम से कम 5-6 साल पुराना है। चारों तरफ से फैला हुआ है, देखो। इधर ये कितने फूल आ रहे हैं, कितने अनगिनत फूल है, बता नहीं सकती। इसके अंदर ये देखो, ये पूरा ये ऊपर तलक जा रहा है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ से फूल आ रहे हैं। ये देखो है ना, ये इतना खूबसूरत पौधा है ये, और बरसात में तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इतने प्यारे फूल आते हैं इसके अंदर। ये नींबू प्रजाति का पौधा है और देखिए मेरे यहाँ नींबू के पास में ही लगा हुआ है। ये देखो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया, कम से कम 8 फुट के करीब है ये, इतना ऊंचा चला गया। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालती, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं। जो बारिश का पानी मिलता है वो पानी है। और देखिए पूरा कितने फूल आ रहे हैं इसके अंदर। इतना इजी टू ग्रो होता है ये, इसकी कलम लेके इन दिनों में आप लगा देंगे तो इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। बारिशों के अंदर बहुत अच्छा चलता है ये, और गर्मियों में भी फूल आते हैं इसमें। और इतनी बर्ड्स आ रही है इसके अंदर, देखो बर्ड्स भी दिख रही होगी आप लोगों को। ये देखिए है ना, कितनी बर्ड्स आ रही है, जो इसकी खुशबू इतनी लहलाती है घर के अंदर, घर पूरा खुशबू से महक जाता है। जब शाम के टाइम इसकी खुशबू बिखेरता है ये, तो जैसे ही खिलता है ना, शाम को 7-8 बजे करीब खिलता है ये फूल रात के टाइम, तो इसकी खुशबू पूरे घर में महक जाती, पूरे आंगन में। इतना अच्छा लगता है इसकी खुशबू सूंघ के, बहुत माहौल इतना सुहाना हो जाता है। और मैं तो इसमें कुछ भी नहीं डालती, कुछ भी। और देखिए नीचे से भी दिखाऊं आपको, ये कितना ऐसी जगह लगा हुआ है कि जहाँ मैं जा भी नहीं सकती हूँ और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी ये इतने फूल देता है मुझे। अब मैं सोच रही हूँ इसमें से एक कलम काट के और गमले में भी लगाऊँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी इसको लगाइए और इसकी खूबसूरती का आनंद लें, और देखिए आपका घर आंगन भी इसकी खुशबू से महक जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप अब इस बारिश में इस पौधे को ज़रूर लगाएंगे। इस पौधे का नाम है मधुकामिनी। आप लोग नर्सरी से लाइए, कहीं कलम मिल जाए तो कलम लेकर के आइए, और फिर इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। एक दिन का फूल है लेकिन खूबसूरती इसकी बेहद खूबसूरत है। नींबू प्रजाति का पौधा है ये, और नींबू के पास में ही लगा हुआ है। देखिए मेरा नींबू का पौधा भी इधर ही लगा है, ये दोनों पौधे एक पास पास लगे हुए हैं। तो देखिए कितना, मुझे तो इतनी खुशी मिलती है जब मैं इसके फूलों को देखती हूँ। तो देखिए आप लोग भी इस पौधे को अपने आंगन में, घर में, गमले में, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी कलम लगाइए और फिर देखिए, बरसात का दिन है तो इजीली इसकी कलम ग्रो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड बाय।